आज के इस वीडियो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पॉलीमर चैप्टर। पॉलीमर 12th और कॉम्पिटिटिव लेवल पे आता है, ये 11th में नहीं है या बहुत थोड़ा सा एल्कीन वाले चैप्टर्स में, एल्कीन और एल्काइंस वाले चैप्टर्स में, ठीक है ना। तो पॉलीमर की डेफिनेशन क्या है कि कंपाउंड ऑफ हाई मॉलिकुलर मास इन विच मैनी मोनोमर यूनिट आर अटैच टूगेदर इज कॉल्ड पॉलीमर। वो कंपाउंड जिनमें छोटी छोटी यूनिट आपस में जुड़कर हाई मॉलिकुलर मास कंपाउंड बना देते हैं उसे हम पॉलीमर कहते हैं। तो पॉलीमर की डेफिनेशन क्या हुई, वो कंपाउंड जिसमें कई छोटे छोटे यूनिट आपस में अटैच होकर एक बड़ा कंपाउंड बना दे पॉलीमर कहलाती। पॉलीमर को कई बेसिस पर क्लासिफाइड किया और जो पहला बेसिस है वो है सोर्स के ऊपर कि पॉलीमर आया कहां से। तो कुछ पॉलीमर नेचर में ऑलरेडी मिलते हैं, उनको हम नेचुरल पॉलीमर्स कहते हैं। और नेचुरल पॉलीमर्स कौन कौन से होते हैं, डीएनए, आरएनए, सेलुलोज, नेचुरल रबर, स्टार्च, ग्लाइकोजन, प्रोटीन एटसेट्रा। और दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल पॉलीमर वो है जिनको हम लैब में बनाते हैं और ज्यादातर पॉलीमर आज की तारीख में आर्टिफिशियल ही यूज आ रहे हैं। अब आए इनके बीच में सेमी सिंथेटिक, और यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर क्या होंगे, नेचुरल पॉलीमर में हम कुछ चेंज करके एक नया पॉलीमर बना देते हैं और उसे हम कहते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। जैसे गन कॉटन कैसे बनाते हैं, सेलुलोज का नाइट्रेशन करने से हमें गन कॉटन मिल जाता है और इसका यूज हम करते हैं एक्सप्लोसिव बनाने में। दूसरा है रेयॉन का क्या करते हैं, सेलुलोज का एसाइलेशन करने से हमें रेयॉन एसिटेट मिलता है, इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। इसका मींस क्या हुआ कि आर्टिफिशियल सिल्क एक कार्बोहाइड्रेट है जबकि नेचुरल सिल्क एक पॉलीएमाइड फाइबर है। इस रेयॉन और सेलुलोज से हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी बनाते हैं और सेलुलोज नाइट्रेट से हम सरफेस केमिस्ट्री में कोलिडॉन का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन मोलर मॉलिक्यूलर फोर्स के ऊपर है कि पॉलीमर में फोर्स कैसा है। तो हम देखते हैं फोर्स कैसा। तो फर्स्ट है इलास्टोमर और दूसरा है फाइबर। तो 12th क्लास में इसका क्वेश्चन आता है कि इलास्टोमर और फाइबर में डिफरेंस लिखिए। तो इलास्टोमर में वीक वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं और या फिर कभी कभी हाइड्रोजन बॉन्ड भी मिलते हैं, जबकि फाइबर में या तो स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड मिलेंगे या फिर डाइपोल इंटरेक्शन मिलेगा। इलास्टोमर खिंच जाते हैं लेकिन फाइबर में खींचने की या इलास्टिकनेस कम होती है। इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट शार्प नहीं होते, इसका मींस हुआ कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट पर नहीं मेल्ट होंगे। इसका मींस ये भी हुआ कि ये अमॉर्फस है, जबकि फाइबर के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कांस्टेंट होते हैं, मतलब ये क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं। और इसके एग्जांपल हैं बेकलाइट, नायलॉन 66, नायलॉन 6 और कार्बन फाइबर। दूसरा क्लास इसमें आता है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या होती है कि जिस प्लास्टिक को हम, ठीक है ना, किसी प्लास्टिसाइजर के प्रेजेंस में हीट करके चेंज कर सकते हो उसे हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। जैसे पीवीसी को अगर हम एन ब्यूटाइल थैलेट में डिजोल्व कर लें और फिर हीट करें तो हम पीवीसी मतलब पॉलीवाइनिल क्लोराइड से नया चीज बना सकते हैं, नई चीज, या पॉलीथीन को गर्म करके हम नई थैली बना सकते हैं। इसलिए कुछ लोग पीवीसी को उठाकर ले जाते हैं या पॉलीथीन की थैलियों को बीन कर ले जाते हैं और फिर वहां पर रीमोल्ड कर देते हैं। जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक अगर एक बार बन गई तो हम इसको रीमोल्ड नहीं कर सकते क्योंकि इनके बीच में 3-डाइमेंशनल लिंकेज बन जाते हैं जो इसको रीमोल्ड होने से रोकते हैं। तो 12th के बच्चों के लिए क्वेश्चन आएगा इनमें डिफरेंस लिखो और कॉम्पिटिटिव के बच्चों का क्वेश्चन आएगा कि ये कौन सा पॉलीमर है। थर्मोसेटिंग उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थर्मोसेटिंग के 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, फर्स्ट बेकलाइट, दूसरा मेलामाइन और तीसरा यूएफआर।
हम चलते हैं थर्ड क्लासिफिकेशन। तीसरा क्लासिफिकेशन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन पे है कि हम पॉलीमर को बनाते कैसे। पॉलीमर को बनाने के तरीके हैं, पहला है को पॉलीमर। को का मींस होता है जब दो डिफरेंट यूनिट या दो डिफरेंट मोनोमर यूनिट आपस में जुड़कर पॉलीमर बनाए तो हम उसको को पॉलीमर कहते हैं। एग्जाम्पल नायलॉन 66। नायलॉन 66 में एक यूनिट का नाम है हेक्सामिथाइलिन डायमीन और दूसरी यूनिट का नाम है एडिपिक एसिड, ठीक है ना। इसका एसिड का OH और NH2 का H मिलकर एक H2 निकाल देते हैं और हमें पॉलीमर मिल जाता है नायलॉन 66। तो नायलॉन 66 में दो यूनिट अलग अलग जुड़ी हुई है, ठीक है ना, इसलिए हम इसको को पॉलीमर कहते हैं। एक और डेफिनेशन है, उसमें ये है कि दो यूनिट मिलकर अगर सिर्फ एक ही यूनिट बनाती है और जो बार बार रिपीट हो जाती है तो हम उसको को पॉलीमर, उसको होमोपॉलीमर कह देते हैं। और अगर दो यूनिट आपस में मिलकर एक से ज्यादा यूनिट बनाए तब हम उसको कोपॉलीमर कहते हैं। अब होमोपॉलीमर में क्या होगा, सेम यूनिट बार बार जुड़कर पूरा पॉलीमर बना देगी तो हम ऐसे पॉलीमर को कहेंगे होमोपॉलीमर। तो पॉलीथीन में इथीन बार बार जुड़कर पॉलीथीन बनाती है और इसकी बेसिक यूनिट हमेशा CH2CH2N रहती है, इसलिए पॉलीथीन एक होमोपॉली। हम चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि क्या ये होमोपॉलीमर है या कोपॉलीमर है, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो हम इसको कहेंगे कोपॉलीमर है क्योंकि ये एक नायलॉन 66 की यूनिट है और इसमें R की यूनिट अलग अलग भी हो सकती है, इसलिए ये कोपॉलीमर्स में आएगा। अब लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या कोई पॉलीमर दोनों प्रोसेस से बन सकता है, एडिशन से और कंडेंसेशन से। हाँ, को पॉलीमर हम दोनों ही मेथड से बना सकते हैं, एडिशन से और कंडेंसेशन से। तो हम देखते हैं कैसे बना सकते हैं को पॉलीमर को। तो हमारे सामने एक पॉलीमर है और जिसकी बेसिक यूनिट है ब्यूटा 1,3 ब्यूटाडाइन। 1,3 ब्यूटाडाइन की रिएक्शन जब हम इस स्टायरीन के साथ करते हैं सोडियम के प्रेजेंस में, तो आप देख सकते हैं दो डिफरेंट यूनिट रिएक्ट कर रही हैं, इसलिए को पॉलीमर का एग्जाम्पल होगा। अब ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड यहां से शिफ्ट होकर यहां आ जाएगा और ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होकर यहां आ जाएगा, जिससे डबल बॉन्ड बीच वाली यूनिट पे आ जाएगा और ये यूनिट आपस में अटैच हो जाएंगे और हमको रबर मिलेगी ब्यूना एस। ब्यूना एस का मतलब है, ब्यू का मतलब ब्यूटाडाइन, सो एन ए का मतलब सोडियम कैटलिस्ट है और एस का मतलब है स्टायरीन यूनिट। तो ब्यूना एस एक कोपॉलीमर है। अब हम देखते हैं, तो ये एडिशन रिएक्शन से बना है। अब हम देखते हैं दूसरा कोपॉलीमर जो कंडेंसेशन रिएक्शन से बना है। कंडेंसेशन का मतलब होता है दो यूनिट आपस में जुड़ेंगी तो कुछ छोटे मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल हमारे सामने है टेरालिन। टेरालिन बनाने के लिए हम इथाइलिन ग्लाइकॉल का यूज करते हैं। इथाइलिन ग्लाइकॉल की स्ट्रक्चर होती है OH CH2 CH2 OH और टर्थैलिक एसिड की स्ट्रक्चर होती है दो एसिड बेंजीन रिंग में पैरा पोजिशन पे जोड़ देंगे। जब हम दोनों को हीट करेंगे तो एसिड का OH और अल्कोहल का H निकल जाएंगे और ये एस्टर बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसके बनने में एक H2O का मॉलिक्यूल निकल गया है, इसलिए टेरालिन एक ऐसा पॉलीमर है जो कंडेंसेशन मेथड से बना है, जबकि ब्यूना एस एक ऐसा कोपॉलीमर है जो एडिशन मैकेनिज्म से बना है। हम चलेंगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है कि पॉलीमर बना कैसे। तो पॉलीमर बनाने के दो मेथड होते हैं और फर्स्ट मेथड को हम एडिशन पॉलीमर कहते हैं। एडिशन पॉलीमर के लिए मोनोमर यूनिट में डेफिनेट डबल और ट्रिपल बॉन्ड का होना जरूरी है। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा तो फिर वो एडिशन पॉलीमर नहीं बनाएगा। दूसरी बात, सारी यूनिट आपस में अटैच होती जाती है, इसलिए एडिशन पॉलीमर का मोलर मास उसकी सारी यूनिट के मोलर मास के इक्वल होगा। जैसे पॉलीथीन, ठीक है ना, तो इथीन का वेट कितना होगा, दो कार्बन और चार हाइड्रोजन, तो 28 ग्राम।
अब सपोज कर लो पॉलीथीन में 10 यूनिट है, एक यूनिट का वेट 28 है, तो 10 यूनिट से जो पॉलीथीन बनेगी उसका वेट 280 ग्राम हो जाएगा, ना एक ग्राम कम और ना ही एक ग्राम ज्यादा। अब कंडेंसेशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर बनाने के लिए मोनोमर में बाई फंक्शनल कंपाउंड का होना बहुत जरूरी है। अब बाई फंक्शनल का मतलब है उस कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। एग्जाम्पल हम यहां देख सकते हैं, आप देख सकते हैं इस OH में, इस इथाइलिन ग्लाइकॉल में दो फंक्शनल ग्रुप है, ऐसे ही टर्थैलिक एसिड में भी दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो कंडेंसेशन पॉलीमर बनाने के लिए मोनोमर में दो फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए, जबकि एडिशन पॉलीमर बनाने के लिए, एडिशन पॉलीमर बनाने के लिए मोनोमर में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। दूसरी बात, कंडेंसेशन पॉलीमर का मोलर मास दोनों के ओवरऑल मास से कम होगा, क्योंकि जब ये और ये यूनिट आपस में मिलती है तो इनके मिलने से H2 एलिमिनेट हो जाता है, और H2 एलिमिनेट हो जाएगा तो एक H2 से 18 ग्राम वेट कम हो जाएगा। तो जितनी यूनिट आपस में अटैच होती जाएंगी उतना ही उसका मोलर मास 18 के मल्टीपल में या जो भी मॉलिक्यूल निकलेगा उसके मल्टीपल में कम होते जाएंगी। हम पढ़ने वाले हैं अब एडिशन पॉलीमराइजेशन के एग्जाम्पल। तो एडिशन पॉलीमर के जो टोटल एग्जाम्पल होते हैं वो 12th क्लास के लिए कम से कम 11 इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चा 11 पॉलीमर याद कर लेगा तो उसे रिकॉल करने में आसानी रहेगी। तो हम चलते हैं और देखते हैं इसका फर्स्ट पॉलीमर। इसका फर्स्ट पॉलीमर का नाम है पॉलीथीन। पॉलीथीन की यूनिट से ही हमें पता लग जाएगा क्या कि पॉलीथीन के अंदर पॉली हटा दें, अगर हमने पॉली हटा दिया तो इथीन रह जाएगी, तो पॉलीथीन की बेसिक यूनिट क्या हो जाएगी, इथीन, और इथीन की जब एन यूनिट आपस में जुड़ जाएंगी, अब एडिशन पॉलीमर बनाने के लिए बच्चों कुछ नहीं करते, सिर्फ बीच में से डबल बॉन्ड को खोल देते हैं और बैलेंसी फ्री कर देते, ठीक है ना। और इस पॉलीथीन का यूज हम पैकिंग मटेरियल में, ठीक है ना, हैंडबैग और वायर्स और केबल के इंसुलेशन बनाने में करते हैं। और इस मेथड से, मतलब अगर हमने यहाँ परोक्साइड डाला है तो हमें पॉलीथीन लो डेंसिटी की मिलेगी, लेकिन अगर हम इथीन को जिगलर नाटा कैटालिस्ट से रिएक्ट कराते हैं, इस जिगलर नाटा कैटालिस्ट हिट्रोजीनियस कैटालिस्ट है जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन है, तो हमें हाई डेंसिटी पॉलीथीन मिलेगी। और हाई डेंसिटी पॉलीथीन से हम बकेट, टब, हाउसवेयर, पाइप्स, बोटल्स और टॉयज बनाते हैं। तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने के लिए हम जिगलर नाटा कैटालिस्ट का यूज करते हैं। जिगलर नाटा को इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला और उसके बाद प्लास्टिक एज शुरू हो गई। तो बच्चों को याद कर लेना चाहिए जिगलर नाटा का कंपोजिशन। अब हम चलते हैं सेकेंड पॉलीमर। सेकेंड पॉलीमर का नाम है पॉलीप्रोपाइलीन, मतलब प्रोपीन से बनेगा, और इसका इंडस्ट्रियल नेम कोइलीन है, और इसको यूज करते हैं वही पैकिंग ऑफ फूड में और बैग के इनर लाइनिंग बनाने में। इसकी खास बात क्या है, ये ट्रांसपेरेंट ज्यादा होती है और थोड़ी मजबूत होती है। तो हमने क्या किया, प्रोपीन की एन यूनिट को लिया और बीच में से डबल बॉन्ड को तोड़ दिया, तो आप देख सकते हैं ये एक यूनिट है और इसका जो डबल बॉन्ड फ्री हुआ था वो नेक्स्ट यूनिट के साथ में अटैच हो गया, और ऐसे ही हजारों यूनिट आपस में जुड़कर हमको देंगी कोइलीन और पॉलीप्रोपाइलीन। जनरली एग्जाम में वो यूनिट कम पूछी जाती है जिनके नाम में पॉली लगा होता है, क्योंकि बच्चा पॉली जैसे ही हटाएगा यूनिट का नाम पता लग जाएगा। 12th क्लास में क्वेश्चन आता है इस पॉलीमर की बेसिक यूनिट क्या है और इसका यूज क्या है। तो हम चलते हैं थर्ड पॉलीमर का एग्जाम्पल है पॉलीस्टाइरीन। क्या नाम है, पॉलीस्टाइरीन, और पॉलीस्टाइरीन पॉलीमर एनायनिक मेथड से बनता है। तो बच्चों की कॉम्पिटिटिव में आता है कि कौन एनायनिक पॉलीमर बनाएगा और कौन कैटायनिक पॉलीमर बनाएगा। तो एनायनिक पॉलीमर तब बनता है जब उसमें कोई माइनस आई ग्रुप प्रेजेंट हो, और कैटायनिक पॉलीमर तब बनता है जब उसमें कोई प्लस आई ग्रुप प्रेजेंट हो। तो हम देख सकते हैं बेंजीन रिंग एक माइनस आई इफेक्ट एक्सर्ट करता है, इसलिए स्टायरीन
एनायनिक मैकेनिज्म से रिएक्ट करेगा, या दूसरा क्लू क्योंकि यह स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है और स्ट्रॉन्ग बेस एनायन क्रिएट करता है इसलिए यह एनायनिक मैकेनिज्म से रिएक्ट करेगा। अब पॉलीमर बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, बीच में से डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे और दोनों वैलेंसीज फ्री हो जाएंगी, इस तरह हजारों यूनिट आपस में जुड़ती हुई चली जाएंगी और बनाएंगी पॉलीस्टायरीन। पॉलीस्टायरीन का हम यूज करेंगे प्लास्टिक टॉयज बनाने में, हाउस होल्ड वेयर बनाने में, रेडियो और टेलीविजन की बॉडी और रेफ्रिजरेटर की इनर लाइनिंग बनाने में। और अब हम पढ़ते हैं फोर्थ पॉलीमर जिसका नाम है पीवीसी। पॉलीमर बनाने के लिए पीवीसी की फुल फॉर्म है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। तो जैसे ही हम पॉली को ड्रॉप करेंगे हमें मिल जाएगा वाइनिल क्लोराइड, इसका मींस इसकी यूनिट हो जाएगी वाइनिल क्लोराइड, ठीक है ना। अब पॉलीमर कैसे बनाएंगे, बीच में से डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, ब्रेक करने से दोनों की बैलेंसेस फ्री हो जाएंगी और हमको मिलेगा पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ठीक है ना। इसका हम यूज करते हैं रेनकोट बनाने में, हैंडबैग बनाने में और पीवीसी के पाइप भी बनाए जाते हैं और चप्पल भी बनाई जाती है और विनाइल फ्लोरिंग में भी इसका यूज करते हैं। एडिशन का फिफ्थ पॉलीमर है, फिफ्थ पॉलीमर को हम कहते हैं टेफ्लॉन। आजकल टेफ्लॉन पीटीएफई के नाम से आने लगा है, तो इसका नाम है पॉली टेट्रा फ्लोरोथीन। जैसे ही हमने पॉलीबर्ड हटाया रह गया टेट्रा फ्लोरोथीन, और जैसे इसका डबल बॉन्ड तोड़ा दोनों की वैलेंसी फ्री होने से हमें मिल गया पीटीएफई और टेफ्लॉन। और इसका मेन यूज क्या है, हम इससे नॉन स्टिक कुकवेयर बनाते हैं जिसमें खाना जल्दी से नहीं जलता है। अब बच्चे पूछते हैं खाना क्यों नहीं जल्दी से जलता है, क्योंकि नॉन स्टिक कुकवेयर के ऊपर टेफ्लॉन की कोटिंग करने से हीट यूनिफॉर्म रूप से स्प्रेड होती है, फैलती है, जिसलिए किसी भी पार्ट को ज्यादा हीट नहीं मिलती और जल्दी से खाना नहीं जलता। इसका और भी यूज है हम गैस्केट बनाने में, पंप की पैकिंग, बाल सील और नॉन लुब्रिकेटिंग बियरिंग बनाने में यूज करते। तो बच्चों हमने एडिशन के 5 पढ़ लिए, कितने और रह गए, तो 11 में से 5 माइनस करें तो अभी 6 और बच्चे। आप 11 अगर याद कर लेंगे तो आपको रिकॉल करने में। एडिशन पॉलीमर का 6th एग्जाम्पल है ऑर्लॉन। अब देखो ऑर्लॉन के नाम से हमें इसकी यूनिट का पता नहीं लगता, इसलिए एग्जाम में आ जाता है कि ऑर्लॉन की बेसिक यूनिट क्या है। इसको शॉर्ट में पान कहते हैं, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। तो ऑर्लॉन की बेसिक यूनिट एक्राइलो नाइट्राइल है, इसका आईयूपीएसी नेम 1, 2, 3, तो 2-PROP-2-EN और नाइट्राइल होगा। हमने बीच में से डबल बॉन्ड को ब्रेक किया और ये दोनों वैलेंसेस फ्री हो गई और पॉलीमर बना लिया। इस बने हुए पॉलीमर को ऑर्लॉन कहते हैं। और इसका यूज क्या, इस ऑर्लॉन को हम यूज करते हैं ऊन या स्वेटर बनाने के लिए, वूल बनाने के लिए। हम इससे वूल बनाएंगे और जिससे हम स्वेटर बनाएंगे। और फिर 7th पॉलीमर, 7th पॉलीमर का नाम है ब्यूनाइस। ब्यूनाइस का यूज करते हैं टायर और मैकेनिकल रबर गुड्स बनाने में। और बच्चों ब्यूनाइस से ही हम बबल गम भी बनाते हैं। तो टायर और बबल गम में डिफरेंस सिर्फ इतना होता है, अगर हम ब्यूनाइस में कार्बन पाउडर मिलाकर उसको स्टील के वायर पे लगा दें तो टायर बन, और अगर उसमें चीनी मिलाकर और चीनी और फ्लेवर मिलाकर कागज में रैप कर दें तो बबल गम बन जाती है। तो अगर हमें बबल गम खाने का शौक हो तो हम टायर का एक बटका खाकर 2 चम्मच चीनी डालने से बबल गम का मजा ले सकते हैं। अब देखते हैं बनी कैसे। ब्यू का मतलब है ब्यूटाडाइन, तो ये ब्यूटाडाइन यूनिट हो गई। एस का मतलब है स्टायरीन, तो ये स्टायरीन यूनिट हो गई। और कैटलिस्ट कौन, सोडियम। तो सोडियम के प्रेजेंस में जब हम इन दोनों को आपस में रिएक्ट कराते हैं तो बीच में से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, दोनों यूनिट आपस में जुड़ जाती। अब बच्चों यहां पर एक बात आती है कि ये रिंग बाहर अटैच होगी या अंदर। तो बच्चों ये रिंग हमेशा अंदर वाले कार्बन से अटैच होती है और हमको मिलती है ब्यूना एस। ब्यूना एस से हम बनाएंगे टायर और बबलगम। अब आई 8th पॉलीमर। 8th पॉलीमर का नाम है ब्यूना एन।
ब्यूटेन बनाने के लिए सिर्फ हम इतना ही चेंज करते हैं, ब्यूटेन बनाने के लिए हम इतना ही चेंज करते हैं कि ब्यूटाडाइन सेम रहेगा, सोडियम का कैटालेज सेम रहेगा, सिर्फ स्टाइरीन की जगह पर एक्राइलोनाइट्राइल का यूज करते हैं और ये ज्यादा सॉल्वेंट रेजिस्टेंट होती है और इसका यूज हम फ्यूल टैंक बनाने में करते हैं जिसमें हम फ्यूल को स्टोर करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये ब्यूटाडाइन यूनिट हो गई और ये एक्राइलोनाइट्राइल यूनिट हो गई जिससे अपना बना था ऑर्लॉन, और ये बन गया दोनों को मिलाने से ब्यूना एन, ये सॉल्वेंट रेजिस्टेंट होता है। अब आया थर्ड नाइन्थ पॉलीमर, नाइन्थ पॉलीमर का नाम है पम्मा, पम्मा का मतलब है पॉलीमिथाइल, पॉलीमेथामिथाइल एक्राइलेट, और इसका हम यूज करते हैं ऑप्टिकल लेंस बनाने में जो इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। तो इसकी जो बेसिक यूनिट होगी वो कौन सी, तो पम्मा की बेसिक यूनिट का नाम होता है मिथाइल मेथा एक्राइलेट, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, इसको पॉलीमराइज किया तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, बॉन्ड ब्रेक हो गया तो आप देख सकते हैं ये पार्ट, अब ये CH3 ऊपर लगा दिया और ये एस्टर वाला ग्रुप नीचे लगा दिया तो बने हुए पॉलीमर का नाम हुआ पॉलीमिथाइल मेथा एक्राइलेट, और इससे हम बनाएंगे ऑप्टिकल लेंस मतलब आईसाइट वाले लेंस। अब आई टेंथ, तो बच्चों दो रह गई, क्योंकि टोटल एडिशन पॉलीमर ट्वेल्थ में 11 है, टेंथ जो है वो नेचुरल पॉलीमर है। तो नेचुरल रबर बनाने के लिए हम जो यूनिट लेते हैं उसका नाम होता है कॉमन नेम आइसोप्रीन, और आईयूपीसी नेम होगा 2-methyl-1,3-butadiene, और जब हम इसको पॉलीमराइज करते हैं तो हमें ये बॉन्ड यहां से शिफ्ट होकर यहां आ जाएगा और ये भी यहां आ जाएगा, तो दोनों एंड फ्री हो जाएंगे और हमको मिल जाएगा ये CH3 है जो है और दूसरा अपोजिट। तो ये है सिस आइसोमर, कौन सा आइसोमर, सिस आइसोमर, क्यों है, क्योंकि दोनों CH2 एक साइड में। अब इससे डबल सिस आइसोमर होने की वजह से क्या होता है कि चेन आपस में फोल्ड नहीं होती है, और डबल बॉन्ड से क्या होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंस होने से ये रिएक्टिव हो जाता है और नेचुरल रबर को माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल कर मतलब ब्रेक कर सकते हैं, इसलिए नेचुरल रबर बायोडिग्रेडेबल होता है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि डबल बॉन्ड नेचुरल रबर की रिएक्टिविटी को कैसे इफेक्ट करता है। अब कॉम्पिटिटिव वालों के लिए, अगर हम आइसोप्रीन को जिगलर नाटा की प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें ट्रांस आइसोमर मिलता है, मतलब ये CH2 ऊपर आ जाएगा, और जो ट्रांस आइसोमर होता है उसको हम गुट्टा पर्चा रबर कहते हैं, और गुट्टा पर्चा रबर को हम एज ए डेंटल फिलर की तरह यूज करते हैं। अब नेचुरल रबर में प्रॉब्लम क्या आई, नेचुरल रबर को माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो अगर रबर बैंड काफी दिनों तक घर में रखा हुआ रहे तो खींचने से वो टूट जाता है, तो अब उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, तो नेचुरल रबर की हम स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम उसमें उसको सल्फर के साथ में हीट कर देते हैं। अब सल्फर इससे क्या होता है, उसके घिसने की ताकत बढ़ जाती है और स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। अब ये सल्फर क्या करता है, जो नेचुरल रबर में यहां डबल बॉन्ड था ये उस डबल बॉन्ड को ही ब्रेक कर देता है और बीच में क्रॉस लिंक बना देता है, क्योंकि डबल बॉन्ड खत्म हो गया इसलिए अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस वल्केनाइज्ड रबर पर कोई एक्शन नहीं कर पाएगा, और ऐसा सबसे पहले गुडियर ने किया। गुडियर एक बार कहीं से रबर का कचरा उठा के लाए और उन्होंने जब उसको हीट किया तो उन्होंने देखा उसमें एक सॉलिड मास बन गया, और बाद में उन्होंने इसकी स्टडी करी और वल्केनाइज्ड रबर के साथ दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। अब हम लास्ट एडिशन पॉलीमर पढ़ते हैं जिसका नाम है नियोप्रीन। नियोप्रीन रबर से हम कन्वेयर बेल्ट बनाते हैं, रेफ्रिजरेटर और इलेक्ट्रिक वायर के इंसुलेटिंग कोटिंग बनाते हैं। अब नेचुरल रबर में और इसमें फर्क क्या होता है, हम इसमें क्लोरीन लेते हैं जबकि उसमें मिथाइल था, तो इसकी बेसिक यूनिट क्या हो जाएगी, 2-chloro,
1,3-butadiene, ठीक है, और ये भी इससे साइसोमर होता है क्योंकि क्लोरीन से सॉल्वेंट रेजिस्टेंट हो जाता है और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो इससे हम कन्वेयर बेल्ट बनाते हैं। ये फर्स्ट ग्रेड का बच्चे का क्वेश्चन है कि ये किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है ना, और वो भी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये 218 वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करती है, और सीएल का इसमें 58 कर देंगे तो ये 223 वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगी, और आइसोप्रीन भी ऐसा ही करेगी। अब हम चलेंगे उन 11 के अलावा, ये तीन 11th क्लास के पॉलीमर हैं जो 11th क्लास के अल्काइंस चैप्टर में आते हैं कि जब हम मिथाइन का पॉलीमराइजेशन कॉपर और आयरन ट्यूब की प्रेजेंस में करते हैं, कॉपर और आयरन ट्यूब रेड हॉट आयरन ट्यूब से गुजारते हैं तो इसके तीन मॉलिक्यूल बेंजीन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये बात बच्चों आपको याद करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम मिथाइन को NiCN4 के ऊपर से गुजारते हैं तो इसके चार मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन का फॉर्मेशन करते हैं, और जब हम इथाइन को CuCl और NH4Cl के ऊपर से गुजारते हैं तो हमें ये कंपाउंड मिल जाता है जो नेचुरल रबर की बेसिक यूनिट आइसोप्रीन बनाने के काम में आता है। यहाँ पर आकर बच्चों एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एडिशन पॉलीमर बनाने के लिए इथाइन कॉम्प्लीमेंट प्राइमरी यूनिट है या फिर इथीन। तो एडिशन पॉलीमर बनाने के लिए इथाइन बेसिक यूनिट है क्योंकि अगर हम इथाइन में हाइड्रोजन जोड़ दें तो इथीन बन जाएगी और फिर पॉलीथीन, अगर हमने इथाइन में HCl जोड़ दिया तो वाइनिल क्लोराइड बन जाएगा और PVC बन जाएगा। तो इस तरह हम इथाइन से सारे ही एडिशन पॉलीमर्स को बना सकते हैं। तो एडिशन पॉलीमर की बेसिक यूनिट इथाइन और एसिटिलीन होगी क्योंकि हम इससे कोई भी एडिशन पॉलीमर बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं बेंजीन का मोलर मास 3 इथाइन की यूनिट के बराबर होगा क्योंकि एडिशन पॉलीमर का मोलर मास मोनोमर की कुल यूनिट के बराबर होगा, ठीक है ना। आप देखते रहे वीडियो, मैं कल या नेक्स्ट क्लास में आपको कंडेंसेशन पॉलीमर पढ़ाने वाला हूं क्योंकि अब वीडियो बड़ा हो जाएगा तो पॉलीमर जैसा चैप्टर बोरिंग लगने लगेगा। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो शेयर करें, सब्सक्राइब